हेलो एवरीवन, क्रिप्टन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं POC ऑफ कार्बोनाइल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए POC ऑफ कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल जो होता है वो आप जानते हैं क्या होता है अपने पास, एल्डिहाइड और कीटोन होता है। क्या होता है अपने पास? एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इसके आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से टेस्ट रहते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है अपने पास 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, इसको हम लोग ये ब्रैडी रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैडी रिएजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले 2,4-DNP जो होता है, 2,4-dinitrophenyl hydrazine, वो लिया हमने। ये है अपने पास 2,4-dinitrophenyl hydrazine NH2 NH2। इसको जो हम रिएक्ट कराते हैं किसी कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो सपोज करो मैंने एसीटोन के साथ रिएक्ट करा दिया। किसके साथ रिएक्ट करा दिया? एसीटोन के साथ। तो क्या होता है? ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्या है? कौन सा रिएक्शन है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन है तो क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। तो ये H2 और ये O हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो अपने पास जो आता है वो क्या आता है? कलरफुल कंपाउंड आता है। कैसा कंपाउंड आता है? कलर्ड कंपाउंड आता है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया? कलर्ड कंपाउंड। अगर एलिफैटिक रहेगा तो अलग, एलिफैटिक एल्डिहाइड रहेगा कीटोन रहेगा तो अलग कलर आएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन रहेगा तो अलग कलर आएगा। तो आप उसी के बेसिस पे जज करते हो। जनरली क्या होता है अपने पास, इसमें रेड कलर आते हैं और येल्लो कलर आते हैं और ऑरेंज कलर आते हैं। कौन कौन से कलर आते हैं? रेड, येल्लो और ऑरेंज। अब बात ये आती है कि रेड कलर किसके साथ आता है और ऑरेंज कलर किसके साथ आता है। तो आप यहाँ पे देखना है, अगर कंपाउंड एरोमेटिक रहा, अगर कंपाउंड कैसा रहा? एरोमेटिक, तो हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया। एरोमेटिक कंपाउंड में कैसा PPT आएगा अपने पास? रेड PPT आएगा। और अगर एलिफैटिक रहा तो कैसा PPT आएगा अपने पास? येल्लो कलर का। अगर एलिफैटिक रहा तो कलर कैसा आएगा? येलो कलर का। ठीक है, येलो कलर। रिएक्शन के बाद जो होता है, ये जो कंपाउंड बन जाता है वो 2,4-dinitrophenyl hydrazone में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ये टेस्ट था क्या कि अगर 2,4-DNP ले लिया, उसको अगर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करा देंगे तो कलर्ड कंपाउंड आएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, उसके बेसिस पे H2O बाहर निकल जाएगा। एलिफैटिक रहा तो येलो कलर, एरोमेटिक रहा तो रेड कलर। सेकंड टेस्ट जो अपने पास होता है ना, वो होता है एक्वस NaHSO3 टेस्ट। एक्वस NaHSO3 टेस्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं ये एक्वस NaHSO3 टेस्ट क्या है। एक्वस NaHSO3 टेस्ट, तो हमने क्या लिया? सबसे पहले NaHSO3 का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये अपने पास OH O माइनस Na प्लस, ऐसा अपने पास। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या ही लिया हमने? मिथाइल ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा? हम जानते हैं कि इस सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर है क्या? तो ये लोन पेयर क्या करेगा? डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा, कार्बन वाले पार्ट पर अटैक करेंगे और ये फिर डबल बॉन्ड इधर ऐसे हो जाएगा। तो अपने पास क्या बन गया? सिंपल सा मैकेनिज्म है, आर CHO माइनस और ये सल्फर आकर के जुड़ गया कार्बन से, तो SOH डबल बॉन्ड हो
ओ माइनस ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये कैसा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और ओ एन ए बाहर हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर से ओ माइनस एन ए प्लस, हमने क्या करते हैं बाहर रखा है इधर। तो यहाँ पर अपने पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर सी एच ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस, ऐसा आ जा रहा है। ठीक है, अब ये एक्वस है, तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे कि ये किसका टेस्ट है, ये किसका टेस्ट है, एक्वस एन एस एस ओ थ्री, ये टेस्ट है अपने पास कार्बोनिल ग्रुप का। बट यहाँ पे इस टेस्ट का डिमेरिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है, कि ये जो है ना सिर्फ मिथाइल कीटो, ये देखो ये मिथाइल वाला ग्रुप होगा, कम से कम इस वाले ग्रुप में, कार्बोनाइल ग्रुप में एक मिथाइल होना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा वाला आ गया ना तो फिर ये टेस्ट नहीं देगा। तो ये किसके लिए टेस्ट है, टेस्ट फॉर इट इज टेस्ट फॉर किसके लिए, एल्डिहाइड एंड क्या मिथाइल कीटो। मिथाइल कीटो ठीक है, बाकी जैसे ग्रुप और कोई आ गया ना इथाइल कीटो वगैरह, तो उसके साथ क्या होने जाता है, बल्कि ग्रुप हो जाता है, तो ये अटैक नहीं कर पाता, तो इस कारण से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो दो टेस्ट हमने देखे, पहला क्या 2,4-DNP, 2,4-DNP क्या कर रहा था, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H2O बाहर निकाल रहा था और कलरफुल कंपाउंड बना रहा था। अगर एरोमेटिक कार्बोनाइल रहा तो रेड कलर, एलिफैटिक रहा तो येलो कलर। एक्वस एनएच3 कर रहा था, एल्डिहाइड रहा तो ठीक है, लेकिन और मिथाइल कीटो रहा तो ठीक है टेस्ट देगा, लेकिन अगर इथाइल कीटो रहा तो टेस्ट नहीं देगा। तो इसके बेसिस पे हम एक कॉलम बना लेते हैं, कुछ ऐसा है, कुछ कंपाउंड हमने दिए हैं। ठीक है, आपको बताना क्या है कि इसमें से कौन 2,4-DNP देगा, कौन एक्वस NaSCO3 देगा, SO3 देगा। तो ये देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है क्या, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक्वस NaSO3 देगा, देगा 2,4-DNP भी देगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है और दोनों ही मिथाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है देगा दोनों टेस्ट। ये देखो इधर तो इथाइल है, लेकिन क्या इस साइड मिथाइल ग्रुप है क्या, तो मिथाइल कीटो है अभी प्रेजेंट, तो अभी दोनों देगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये इथाइल कीटो है, इधर भी इथाइल कीटो है, तो एक्वस एच एन ए एच एस ओ थ्री नहीं देगा, क्योंकि एक्वस एन ए एच एस ओ थ्री किसके लिए होता था, एल्डिहाइड के लिए और मिथाइल कीटो के लिए, और 2,4-DNP तो कार्बोनिल के लिए ही होता है, तो हमने इसको टेस्ट दिलवा दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो है काफ़ी फेमस, वो है टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सिप्स टेस्ट, तो हम उसके बारे में देखते हैं। देखना, पहले मैं आपको ये कॉलम के बारे में बता दूं, फिर इसको एक करके अपन डिस्कस करेंगे। कॉलम में क्या है कि मैंने रिएजेंट लिया, टॉलरेंस रिएजेंट, फिलिंग्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट, सिप्स, और पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन सा टेस्ट देगा। तो टॉलरेंस जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देता है, कीटोन के लिए नहीं देता। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट में रिएजेंट हम लोग क्या लेते हैं, रिएजेंट जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं हम लोग AgNO3 प्लस NH4OH, तो क्या आ जाता है, सिल्वर मिरर टाइप से आ जाता है, सिल्वर मिरर टाइप से आ जाता है AgOH या फिर Ag2O, ये अपने पास टॉलरेंस टेस्ट का है। और अपने पास कलर कैसा आ जाएगा, सिल्वर मिरर कलर कैसा आएगा, सिल्वर मिरर किसके कारण से, Ag के कारण से, सिल्वर के कारण से, टेस्ट ट्यूब पे आपको सिल्वर मिरर टाइप से देखने लगेगा। फेलिंग्स ये चारों जो है ना ये एल्डिहाइड का टेस्ट देंगे, ठीक है, लेकिन कीटोन का टेस्ट नहीं देंगे। खूब आते हैं ये सब एग्जाम में, कीटोन का टेस्ट नहीं देंगे। अच्छा, फेलिंग टेस्ट में क्या होता है रिजल्ट, फेलिंग टेस्ट में अपन दो सॉल्यूशन लेते हैं, फेलिंग ए फेलिंग बी। तो मैंने फेलिंग सॉल्यूशन ए लिख दिया इसको, और फेलिंग
बी लिख दिया। फेलिंग ए क्या होता है, CuSO4 प्लस NaOH, ठीक है। फेलिंग बी क्या होता है, फेलिंग बी होता है आपके पास, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ले लेते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट, ठीक है, ये फेलिंग बी ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो, ये चारों ही जो है टॉलरेंस्ड फेलिंग बेनेडिक्ट सेफ्स, ये एल्डिहाइड के लिए दे रहा है टेस्ट, लेकिन कीटोन के लिए नहीं दे रहा। ध्यान रहे अभी हम एलिफैटिक का बात कर रहे हैं। इसमें कलर क्या मिलेगा आपको, फेलिंग वाले में एल्डिहाइड के साथ रेड मिलेगा, किसके कारण से, CU2 के कारण से। सेम बेनेडिक्ट में भी रेड ही मिलता है CU2 के बनने के कारण से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, बेनेडिक्ट में क्या होता है रिएजेंट, CuSO4 प्लस NaOH प्लस सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। सिप स्पेस क्या होता है, सिप स्पेस में अपने को पिंक कलर मिलता है, और यहाँ पे हम लोग रॉसले सॉल्ट देते हैं, क्या लेते हैं, पिंक कलर मिलेगा अपने को, या तो पैरा रोजानिलीन ले लिया, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड या फिर रोशेल सॉल्ट। अपन इसको देखने वाले हैं, अभी इसको देखने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया क्या, कि ये सारे ये किसके लिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देंगे, लेकिन कीटोन के लिए टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होगा, AgNO3 प्लस NH4OH लिया हमने, और सिल्वर मिरर आ रहा है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन ए लिया, फेलिंग सॉल्यूशन बी लिया, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है CuSO4 प्लस NaOH का, और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होगा सेम टू सेम प्लस, उसमें बट उसमें और क्या ऐड कर देंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ऐड कर देंगे, रेड कलर का आएगा CO2 के ओ के बनने के कारण से। बेनेडिक्ट में क्या होगा, CuSO4 प्लस NaOH प्लस सोडियम सिट्रेट रहेगा, और इसमें भी रेड आएगा CO2, ये भी एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन के लिए नहीं होता। और सिप्स जो होगा वो क्या होगा, पिंक कलर देगा, पैरा रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ, ठीक है, या रोसेल सॉल्ट के साथ। अब ऐसा हो सकता है क्या, कि अपने पास ये क्वेश्चन आया कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है बट कीटोन नहीं दे रहा, एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है कीटोन नहीं दे रहा। तो इसको मैं एक बार आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताना चाहूँगा क्या, कि जब हमने एल्डिहाइड लिया था, सपोज करो पहले मैं एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया RC(OH)। इसको H2O से रिएक्ट कराया, किसके साथ रिएक्ट कराया, H2O के साथ। तो H2O के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जाकर के अटैक करेगा और इस साइड पे H जुड़ जाएगा, तो अपने पास ऐसा बन जाएगा RC(OH)OH और H, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास अपने पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इधर से H- को क्या कर देगा, बाहर भेज देगा, ठीक है। देखना यहाँ पे इसको हीट कर दिया और हमने टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दिया, AgNO3 प्लस NH4OH, AgNO3 प्लस NH4OH। तो अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा इंटरमीडिएट में आएगा क्या, RCOH डबल बॉन्डो, देखो बीच में एसिड बन रहा है, ठीक है, लेकिन फिर फर्दर क्या हो जाएगा, RC(OH) ओ माइनस NH4+। अब ये यहां तक कैसे पहुंचा, इसका मैं मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं। तो ये जो OH था इसने यहां पे कार्बन पर अटैक करा और यहां पे H को बाहर निकाल दिया, तो यहां से अपने पास क्या बाहर निकल गया, H- क्या बाहर निकल गया, H-। और ये AgNO3 NH4OH आपस में रिएक्ट कर गए और क्या बना दिए, 2AgOH प्लस NH4NO3, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया था, हीट कर दिया था, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, Ag2O
तो एजी ओ एजी ला दिया। ये अब एच माइनस जो होगा ना, ये इस ऑक्सीजन के पार्ट पे अटैक करेगा और यहाँ पर से सिल्वर क्या कर देगा, बाहर भेज देगा। सिल्वर क्या कर देगा, बाहर भेज देगा और अपने पास क्या बन जाएगा, एच टू ओ प्लस ए जी। ये जो ए जी बन रहा है ना, टू ए जी, हाँ ये क्या कर देता है, ये जो अपने पास टेस्ट ट्यूब होता है यहाँ पे मेटल 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 आ जाता है और यहाँ पे एक सिल्वर टाइप से बन जाता है। ठीक है, तो यही है टॉलेंस टेस्ट का मैकेनिज्म, एजी का फॉर्मेशन हो रहा है। बट कीटोन क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना क्या, कि ये जो ओ एच अटैक हुआ था तो एच बाहर निकल गया था, तो बेसिकली जब तक एच बाहर नहीं निकला ना तब तक ये एजी बना नहीं। अब देखते हैं इसी के साथ कीटोन में क्या होगा। अगर आप कीटोन लोगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है अपने पास, इसको एच टू के साथ अटैक करवाया हमने, तो ये कैसा हो जाएगा देखना, ये ऐसा हो जाएगा, आर है यहाँ पे, ओ एच है यहाँ पे, ओ एच हो जाएगा। ठीक है, ये आर है, ये आर है, तो अब ये ऑक्सीजन का लोन पर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। लेकिन ये आर क्या है, ये एक बैड लिविंग ग्रुप है, ये आर क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, तो इस कारण से क्या होगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, इसलिए ये टेस्ट नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे एच क्या हो जा रहा था, बाहर चला जा रहा था और ये एजी बन जा रहा था, तो इस कारण से ये क्या दे रहा था, टॉलरेंस टेस्ट दे रहा था। तो बेसिकली एच एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, इस कारण से ऐसा हो गया। लेकिन आर यहाँ पे क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है, इस कारण से ऐसा नहीं हो पाया, तो इसलिए अल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है, सिल्वर बन जाता है उसमें, लेकिन कीटोन नहीं देता। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि हमने जो फेलिंग्स और टेस्ट लिया और बेनेडिक्ट टेस्ट जो करवाया था, तो उसमें आपने देखा क्या कि हमने एक जगह पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिया था, या फिर सोडियम सिट्रेट लिया था, या फिर सोडियम सिट्रेट लिया था, तो वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम सिट्रेट का जरूरत क्यों पड़ा, फेलिंग में क्यों जरूरत पड़ा अपने को टार्ट्रेट और सिट्रेट लेने का। उसका सीधा सीधा लॉजिक ये है ना कि जब आपने क्या किया था, इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है, देखो आपके पास रिएजेंट क्या था, सी यू एस ओ फोर प्लस एन ए ओ एच, सी यू एस ओ फोर प्लस एन ए ओ एच, तो क्या बन गया था अपने पास, एन ए टू एस ओ फोर प्लस मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया था, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है, इन सॉल्युबल इन H2O। अब चूंकि ये इन सॉल्युबल इन H2O है ना, तो इसको सॉल्युबलाइज करने के, इसको सॉल्युबल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चिलेटिंग रिएजेंट लेते हैं। क्या करते हैं, चिलेटिंग रिएजेंट लेते हैं। वो चिलेटिंग रिएजेंट क्या होता है, हम लोग किसको लेंगे, चिलेटिंग रिएजेंट अपने पास कौन सा होगा, चिलेटिंग रिएजेंट अपने पास कौन सा होगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या फिर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या फिर सोडियम सिट्रेट, इस कारण से। तो ये जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इसमें इसके साथ जब रिएक्ट करेगा, या फिर इसके साथ जब रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, इस कारण से। और फिर क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या दे देगा, सी यू टू वो दे देगा, और उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो ये चिलेटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम सिट्रेट, इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, डिजोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिलेटिंग रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, तो इस कारण से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कि एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ टॉलरेंस टेस्ट दे दिया, बेनेडिक्ट दे दिया, सिप्स दे दिया, फेलिंग्स दे दिया, लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ सिर्फ टॉलरेंस देता है, फेलिंग्स बेनेडिक्ट ये सब नहीं देता, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होता है वो, उसमें भी तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अब चूंकि एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसको फेलिंग्स और बेनेडिक्ट देना चाहिए, लेकिन वो क्या देगा, सिर्फ टॉलरेंस टेस्ट देगा, क्यों, क्योंकि ध्यान देना
टॉलेंस में जो होगा, जो रिएजेंट है अपने पास, Ag प्लस है। टॉलेंस में रिएजेंट क्या है? Ag प्लस। और Ag प्लस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर देन Cu2 प्लस, देन Cu2 प्लस। तो इसीलिए टॉलेंस वाला ये दे देगा Ag प्लस, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजर होगा Cu2 प्लस। ठीक है, तो इसे टॉलेंस वाला तो ऑक्सीडाइज कर देगा एरोमेटिक वाले को, लेकिन फेलिंग्स और बेनेडिक्ट वाला नहीं कर पाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको गेस करने की कौन सा टॉलेंस देगा, कौन सा फेलिक्स देगा, कौन सा बेनेडिक्ट नहीं देगा। तो देखते हैं, ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, बताना है क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है भाई, तो ये टॉलेंस देगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो फेलिंग भी देगा और बेनेडिक्ट भी देगा। ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है क्या, पेंजल डिहाइड, तो ये टॉलेंस तो देगा ही, फेलिंग्स नहीं देगा और बेनेडिक्ट नहीं देगा। ठीक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो टॉलेंस देगा, फेलिंग्स नहीं देगा, बेनेडिक्ट नहीं देगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट देता है लेकिन फेलिंग्स और बेनेडिक्ट नहीं देता। तो हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार किया है, आपको गेस करना है। हाँ, मैं आपको अभी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि कौन सा कंपाउंड जो होगा वो टॉलेंस टेस्ट देगा। ठीक है, इतने सारे कंपाउंड हैं, देखिए आइडेंटिफाई विच कंपाउंड्स और टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देता था, एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देता था क्या? तो एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन नहीं देता था। इसमें देखो, ये देखो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड, तो ये देगा। ठीक है, अब ये क्या है, एसिड है क्या, तो ये नहीं देगा, अपने को तो एल्डिहाइड चाहिए था ना। अब एक चीज यहाँ पे देखो, थर्ड वाला भी अपने को एसिड दिख रहा है, फॉर्मिक एसिड, लेकिन क्या यहाँ पे देखो, ये एच बाहर निकलने के लिए इसमें भी है क्या, एच माइनस, देखो तो इस कारण से ये देगा। ठीक है, PHCHO एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा, PHCH2CHO देगा। ठीक है, अब आते हैं, एक ही कार्बन पे दो OH है तो H2 को बाहर निकाल देते, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। देखो आप देगा कि नहीं, इसको देख करके लग रहा नहीं देगा, लेकिन जब इसको इसे H2 को बाहर निकालेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब देखो बन गया क्या एल्डिहाइड, तो देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या है, हेमी एसिटल है क्या, ये क्या है, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ठीक है, तो ये देगा क्या, यहाँ पे देखो OH माइनस के साथ जो है ना, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, और ये एसिड बेस रिएक्शन क्या करेगा, इधर से एच प्लस पे अटैक करेगा, एच प्लस पे अटैक करेगा, और ये फिर इधर अटैक करेगा, और ओ सी एच थ्री क्या कर देगा, बाहर भेज देगा। जैसे ओ सी एच थ्री अच्छा लिविंग ग्रुप है, ओ सी एच थ्री क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये कैसा हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा हो जाएगा क्या। अब देखो एल्डिहाइड आ गया क्या, तो इसलिए ये देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखना, इसमें भी OH को अटैक कराया, OH को अटैक करा दिया हमने, एसिड बेस रिएक्शन, फिर से ओ सी एच थ्री बाहर निकल गया, तो अपने पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर से इस पे अटैक हुआ, इसने इधर अटैक किया और ओ सी एच थ्री बाहर निकल गया, तो ये डबल बॉन्ड O हो गया, तो ऐसा हो गया। लेकिन ये तो कीटोन है ना, तो कीटोन नहीं देता। ठीक है, ये कौन सा है, इसमें भी नहीं होगा, OCH3 OCH3, RC डबल बॉन्ड CH3, कीटोन है क्या, नहीं देगा, एल्कोहल है क्या, नहीं देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसके ऊपर आ रहे हैं एल्फा, इन सबको देखना थोड़ा सा अलग से। एल्फा कीटो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक काम करो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल्फा कीटो हाइड्रोक्सी को RC डबल बॉन्ड O CH OH H, ऐसा है क्या। अब इसको हम क्या करते हैं, टोटोमराइज करते हैं, क्या करते हैं, अल्फा एच है ये, तो इसको टोटोमराइज करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, हाँ, तो इसको ये CH है,
टॉटोमराइज कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, आर सी ओ एच डबल बॉन्ड सी ओ एच ओ एच, ऐसा हो गया क्या? अब ये इधर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर कर दो ना ये, तो ऐसा अटैक कर गया, तो ये कैसा हो जाएगा फिर फर्दर, आर सी ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, तो देखो ये एल्डिहाइड बन गया क्या, एल्डिहाइड बन गया ना, तो ये देगा। इसको ध्यान रखना, अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी ग्रुप देता है, अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी ग्रुप देगा ग्लूकोज, एल्डिहाइड है क्या इसमें, तो ये भी देगा। इधर वाले नीचे जितने भी लिखे हैं ना मैंने वो सारे देंगे, तो ये भी ग्लूकोज भी देगा। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी देखो सी एच टू एच और सी डबल बॉन्ड ओ रहता है, तो ये भी देगा, ठीक है। पैराक्विनोल को एक बार क्या करो, इसको हमने ओ एच माइनस के साथ एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, तो ये क्या करेगा, ओ एच यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, फिर ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ पैराक्विनोल, पैराक्विनोल यहाँ पर से क्या हो गया, एच बाहर निकल गया है, एच बाहर निकल गया है, तो ए जी बन जा रहा है, तो ये भी देगा, ये आपको याद रखना है, पैराक्विनोल भी देता है, ठीक है। अब आते हैं एन हाइड्रोक्सी अमीन, एन हाइड्रोक्सी अमीन, एन हाइड्रोक्सी अमीन, एन हाइड्रोक्सी अमीन में भी क्या कर दिया, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराओ ओ एच माइनस से, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये एच फिर से बाहर निकल जाएगा क्या, क्योंकि एच इसके पास बाहर निकलने के लिए है, जैसे एच बाहर निकल गया तो टॉलरेंस टेस्ट दे देगा क्या, तो दे दिया भाई, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पर से अपन ने क्या समराइज किया, एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा, हेमी एसिटल भी देगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी देगा, ग्लूकोज देगा, अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी देगा, डी फ्रक्टोज देगा, क्विन पैराक्विनोल देगा और एन हाइड्रोक्सी अमीन देगा। तो इसी चीज़ को मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, देखना यहाँ पे कि ऐसे मैंने चार्ट बनाया कि टॉलेंस है, कौन सा उसके साथ टेस्ट देगा टॉलेंस टेस्ट, कौन सा नहीं देगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, ठीक है, कौन सा टेस्ट नहीं देगा और कौन सा सिर्फ रिएक्ट करेगा टेस्ट नहीं देगा। तो टेस्ट कौन देता था, पहला चीज़ तो एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों, ठीक है। दूसरा एच सी ओ एच, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका क्योंकि सी एच ओ ग्रुप इधर प्रेजेंट रहता था, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया था, अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी, अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी क्या हो गया, अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी, कीटोन के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। चौथा मैंने क्या बताया, हेमी एसिटल क्या, तो हमने यहाँ पे ये वाला कंपाउंड था बेसिकली ओ सी एच थ्री, ठीक है, दे दिया। पांचवा क्या मैंने बताया, पैराक्विनोल क्या, पैराक्विनोल क्या होता था, ये ले लिया, इधर भी ओ एच ले लिया, इधर भी ओ एच, ये सारे ही टॉलरेंस टेस्ट देंगे। और छठा मैंने क्या बताया था, एन हाइड्रोक्सी अमीन आर एन एच ओ एच, ये सारे टॉलरेंस टेस्ट देंगे, ठीक है। कौन सा टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता था, तो हमने अभी देखा क्या, जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता था, पहला तो कीटोन, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, दूसरा एल्कोहल भी नहीं देता, ठीक है, तीसरा ईथर भी नहीं देता, ये सभी मैंने अभी आपको दिखाया, ये सब टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, और एसिटल भी टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, ये एसिटल है अपने पास, ये एसिटल भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, जो रिएक्ट कर जाते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, जैसे हमने क्या लिया, ये वाला कंपाउंड लिया एक ओ एच ओ सी एच थ्री, हेमी एसिटल दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर से क्या होगा, जब ओ एच माइनस रिएक्ट करेंगे, यहाँ से ओ एच माइनस ने जब अटैक करा इसके ऊपर, तो एच चला गया, ये ऑक्सीजन इधर अटैक करा, ये लिविंग ग्रुप था ये बाहर निकल गया क्या, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ऐसा बन जाएगा क्या,
ये रिएक्ट तो कर गया लेकिन टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया। दूसरा टर्मिनल अल्काइन, दूसरा टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। तो ये भी वाइट पीपीटी बना देगा, ये क्या बना देगा, अगर AgNO3 अगर टर्मिनल अल्काइन को, टर्मिनल अल्काइन को AgNO3 NH4 के साथ कराया, AgNO3 NH4 OH, और दूसरी तरफ क्या अपने पास CO2Cl2 NH4 OH, CO2Cl2 NH4 OH के साथ, तो इसके साथ क्या करेगा, रेड पीपीटी दे देगा, और इसके साथ क्या करेगा, वाइट पीपीटी दे देगा, वाइट पीपीटी दे देगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इसके पास ये एसिडिक एच है, क्या ये वाला एसिडिक एच है, तो जैसे अटैक कराएंगे तो ये NH4 OH का क्या करेगा, ये इसके इस पार्ट पे अटैक करेगा, उसको बाहर निकाल देगा और वहाँ पे जाके जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा अपने पास RC CCC AG। यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, सेम इसी तरह इसके साथ भी मैकेनिज्म होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा RC CCC CU+। ऐसा तो ये था क्या POC ऑफ कार्बोनिल, ये क्या था POC ऑफ कार्बोनिल। POC ऑफ कार्बोनिल को एक बार मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं आपको एक बार शॉर्ट में जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। सबसे पहला चीज तो क्या, सबसे पहला चीज ये था, एल्डिहाइड और कीटोन, 2,4-DNP टेस्ट दिया था ब्रेडी के साथ, हाँ 2,4-DNP टेस्ट कार्बोनिल ग्रुप के साथ, एरोमेटिक था तो रेड दे दिया, एलिफैटिक था तो येलो दे दिया। दूसरा क्या, एक्वस NaHCO3, एक्वस NaHSO3 के साथ टेस्ट दिया, कौन सा, एल्डिहाइड और मिथाइल कीटो, सिर्फ एल्डिहाइड और मिथाइल कीटो। फिर उसके मैंने उसके बेस्ट पर बेस्ट क्वेश्चन देखा, फिर टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट और सिप्स देखा। तो ये चारों ही एल्डिहाइड के लिए देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, लेकिन कीटोन के लिए नहीं देते हैं, और सब में मैंने आपको कलर वलर बता दिया। लेकिन टॉलेंस जो होगा वो एरोमेटिक के लिए भी देता है, उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। और हमने फेलिंग्स और बेनेडिक्ट में क्या कहता है, टार्ट्रेट और सिट्रेट भी लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बन जा रहा था जो कि वाटर में इनसॉल्युबल था, तो उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए हमें चिलेटिंग रिएजेंट की जरूरत थी, तो इसलिए हमने ऐसा किया था, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, लेकिन फेलिंग्स बेनेडिक्ट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि टॉलेंस में Ag+ होता है जो एरोमेटिक वाले को भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन CO2+ ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, इसलिए नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन करे कि कौन सा टॉलेंस देगा, कौन सा बेनेडिक्ट देगा, कौन सा फेलिंग्स देगा, और फिर हमने आइडेंटिफाई करा कि कौन कौन सा टॉलेंस टेस्ट देता है। तो उसमें मैंने आपको लास्ट में एक बार समराइज कर दिया क्या, कि एल्डिहाइड वाला देगा एरोमेटिक एलिफेटिक, फॉर्मिक एसिड देगा, अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी ग्रुप देगा, ठीक है, हेमी एसिटल देगा, पैराक्विनॉल देगा और एन हाइड्रोक्सी अमीन देगा। कौन सा टेस्ट नहीं देगा टॉलेंस, तो कीटोन नहीं देगा, अल्कोहल नहीं देगा, ईथर नहीं देगा, एसिटल नहीं देगा, और कौन रिएक्ट कर जाएगा, एसिटल कुछ पार्ट मैंने बताया कि कुछ पार्ट जो होंगे हेमी एसिटल के कुछ पार्ट रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और टर्मिनल अल्काइन वाले रिएक्ट कर जाएंगे लेकिन टेस्ट नहीं देंगे। ये क्या था आपके पास POC ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो नेक्स्ट लेक्चर